हाय, दिस इज मनीषा सिंह। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन वेल इन बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि बहुत टाइम से जो हम लोग लंबा इंतज़ार कर रहे थे कि RPF यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर SIN कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट कब आएगी, तो बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आई है, क्योंकि RPF में SI यानी सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल की पोस्ट के लिए ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट कर दिया गया। बहुत जल्द फॉर्म हम सभी के बीच आ जाएगा। तो हम लोग आज इस वीडियो में इसके ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं कि पोस्ट जो आया है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, कितना कितना सीट रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न, मतलब कंप्लीट डिटेल में मैं आपको बताऊंगी। ज्वाइनिंग के प्रोसेस तक क्या सब आपका होगा। तो चलिए, अगर आप भी इसको लेकर थोड़े से भी सीरियस है तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। फ्रेंड्स, ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, मेल फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए, समय को बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। एज आई टोल्ड यू फ्रेंड्स कि RPF में सब इंस्पेक्टर एंड कॉन्स्टेबल की रिक्रूटमेंट आई है 2024 के रिगार्डिंग। टोटल पोस्ट की बात करें तो SI की पोस्ट के लिए 250 सीट्स है, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 213 एंड फीमेल्स के लिए 37 सीट्स रखी गई है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। कॉन्स्टेबल की पोस्ट की बात करें तो 2000 सीट्स रहने वाली है, मेल कैंडिडेट के लिए 1700 एंड फीमेल के लिए 300 सीट है। ये आपका रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स RPF के थ्रू आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि दोनों पोस्ट निकल के आया है, दोनों ही वैकेंसी के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि RPF में जो SI की रिक्रूटमेंट है उसके क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसमें मैं आपको कॉन्स्टेबल के रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग सारी प्रोसेस समझाने वाली हूँ। तो चलिए देख लेते हैं कि आप जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो फी क्या लगेगा। जनरल OBC EWS से लिया जाएगा 500 रुपीज़, वहीं पर SC ST फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन एंड फीमेल से लिया जाएगा 250 रुपीज़। एज लिमिट की अगर बात करूं तो आपका जो मिनिमम एज होता है ना इसके लिए 20 ईयर्स होता है एंड मैक्सिमम 25 ईयर्स। रिलैक्सेशन मिलता है OBC को 3 इयर्स के लिए एंड SC ST को मिलता है 5 इयर्स के लिए। एंड अभी एक जो आया है ना, इतना साल बाद RPF SI की वैकेंसी आई है, और इसके एज की लिमिट को लेकर ना काफ़ी ज़्यादा अभी माहौल गर्म चल रहा है कि जब लास्ट टाइम वैकेंसी आई थी तब बहुत सारे कैंडिडेट्स इसके लिए एलिजिबल भी नहीं थे, उनका मिनिमम 20 इयर्स भी नहीं था, और अभी अचानक से वैकेंसी आई है और 25 इयर्स जो मैक्सिमम एज है, बहुत सारे कैंडिडेट्स को तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल पाई है कि वो इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट कर पाए। तो मे बी चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि बाद में एज में आपको कुछ रिलैक्सेशन वगैरह, जनरल कैंडिडेट या बहुत सारा कुछ भी, अगर कुछ इससे रिलेटेड नोटिफिकेशन आता है तो मैं ज़रूर एक नई वीडियो लेकर आऊँगी आप सभी के बीच। और रिलैक्सेशन तो आपको पता है कि OBC को 3 इयर्स का, SC ST को मिलता है 5 इयर्स का, ये जनरली अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। सिंपली जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, मतलब ग्रेजुएट कैंडिडेट, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, कोई भी स्ट्रीम हो कोई बात नहीं है, आपने सिंपली ग्रेजुएशन कर रखा है आप इसके लिए एलिजिबल रहोगे। अब रही बात की सिलेक्शन की प्रोसेस क्या होगी। फ्रेंड्स, योर सिलेक्शन विल बी डिपेंडेबल ऑन मेजर 3 स्टेजेस। पहले स्टेज पे क्लियर करना होगा आपको रिटन टेस्ट, मतलब ऑनलाइन CBT एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका, उसको क्वालिफाई करते हो ना, तो आपका PET एंड PFT होता है, मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, दोनों मतलब कंबाइंड बोल सकते हैं कि फिजिकल होगा। थर्ड आपका DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कि आपका जो ऑनलाइन CBT होगा उसका क्या पैटर्न रहने वाला है। तो आपका जो पेपर होगा ना फ्रेंड्स, 120 क्वेश्चंस के लिए होगा, 120 मार्क्स के लिए, एंड टाइम विल बी 90 मिनट्स, डेढ़ घंटे का पेपर होगा। निगेटिव मार्किंग 1/3 का होगा। सब्जेक्ट वाइज अगर बात करें तो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के लिए, GK GS के 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि ओवरऑल वेटेज की अगर बात करें ना, तो GK GS का वेटेज ज़्यादा होगा, तो आपको मेनली फोकस करना चाहिए GK GS पे,
और अपने तैयारी की स्पीड को भी बूस्ट करो, क्योंकि बहुत जल्दी फॉर्म हम सभी के बीच आ जाएगा, तो आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलेगा कि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी कर पाओ। चलिए आगे देख लेते हैं कि नेक्स्ट स्टेज पे जो आपका फिजिकल होगा उसका क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। जैसा आपको बताया है, फिजिकल में आपका दोनों चीज होगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीईटी, मतलब फिजिकल इलिजिबिलिटी, शारीरिक क्षमता आपकी देखी जाती है इसमें। सबसे पहले पीएसटी के अंदर हाइट की मेजरमेंट होती है, मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर, फीमेल्स के लिए मिनिमम 157 सेंटीमीटर हाइट की रिक्वायरमेंट है। रनिंग की अगर बात करें तो 1600 मीटर की रनिंग होती है, 6.5 मिनट में इसको कंप्लीट करना होता है। फीमेल्स को 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट में कंप्लीट करना होता है। हाई जंप मेल के लिए 3 फीट 9 इंच का रहेगा, फीमेल्स के लिए 3 फीट का आपका यहाँ पर हाई जंप रहेगा। और लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 12 फीट फॉर मेल कैंडिडेट, 9 फीट फॉर फीमेल कैंडिडेट्स। सो दिस इज ओवरऑल आपका फिजिकल क्राइटेरिया, आई होप आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। और जैसा कि आपको पहले ही बताया कि 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, तो अब इसमें बता देती हूँ कि मिनिमम कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। जनरल ओबीसी का 42, एससीएसटी का 36, और आपका जो मेरिट प्रिपेयर होगा ना, कि मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगा, क्या एग्ज़ाम बेसिस पे या फिजिकल के बेसिस पे, आपका जो मेरिट बनता है ना ऑनलाइन, जो आपने एग्ज़ाम में स्कोर कर रखा था उसके बेसिस पे, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होती है। सो इसको क्वालिफाई करने के बाद आपका क्या होता है, डीवी एंड सिंपल सा मेडिकल, उसके बाद ज्वाइनिंग लेटर दी जाएगी। तो ज्वाइन करते ही क्या सैलरी मिलेगी, तो आइए देख लेते हैं। आपको जो स्टार्टिंग में सैलरी मिलती है ना, 43,000 रुपीज़ से स्टार्टिंग होती है, पर ईयर के इंक्रीमेंट के बाद आपकी सैलरी 52,000 रुपीज़ पर मंथ की हो जाती है। सो इसको ध्यान में रखते हुए अपॉर्चुनिटी अच्छी है, तैयारी ऐसी करो कि एक सीट आप अपने इस बार अचीव कर लो। अब आप सोच रहे होंगे कि फॉर्म कब से अप्लाई होना स्टार्ट होगा, तो आपका ये फॉर्म ना जनवरी के लास्ट से लेके फरवरी के फर्स्ट वीक तक हर हाल में ऑनलाइन हो जाएगा। सो आई होप कि आप अच्छे से तैयारी करोगे और जो कुछ भी मैंने आपको समझाया है आप बेटर वे में उसको समझ पाए होंगे। कहीं पर भी कुछ कन्फ्यूजन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में आके पूछो। अदरवाइज इसका जो नोटिफिकेशन आया है ना, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पर भी जाके आप फॉलो कर लेना। और अगर मेरी वीडियो, मेरी इफ़ोर्ट्स आपको अच्छी लगी हो कि मैं बहुत मेहनत करती हूँ आप सभी को समझाने के लिए, तो अगर आपको वो पसंद आती हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना मेरे लिए, और फ्रेंड्स अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट करके जाना, ताकि सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक पहुँच पाए। तो मिलूँगी आपसे फिर से किसी गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।